morning everyone, welcome back to my another vlog. So अभी मैं और मम्मा निकले हैं संडे बाजार जाने के लिए. यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा सा संडे बाजार लगता है. हमने लास्ट वीक से ये प्लान किया हुआ था कि इस संडे हम ज़रूर जाएंगे उधर. सो या बस उठते साथ ही मैं थोड़ा फ्रेश हुई एंड देन वी लेफ्ट फॉर दी मार्केट. अभी हम रुके हैं फ्रेश जूस लेने. मैंने ऑर्डर किया अनार का जूस और मम्मा ने मौसमी, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस. ये मम्मा का मौसमी जूस आ गया, मेरा अनार का जूस आ गया है, जो कि टेस्ट में बहुत डिफरेंट है. और मम्मा बता रही हैं कि छोटे अनार यूज़ हुआ इसमें, इसलिए जो अनार का साइज़ छोटा होता है ना तो वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है. जो बड़ा साइज़ का अनार होता है वो महंगा होता है, इसलिए टेस्ट में डिफरेंट है. छोटे अनार का टेस्ट अलग होता है और बड़े अनार का बिल्कुल डिफरेंट होता है, मज़ेदार होता है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये हमें फ्रेश पीनट्स मिले हैं बाहर से. यूजली ये सहरिया टाउन से बाहर आए ना तो फिर हमें ये रावलपिंडी में इस तरह के ठेले नज़र आते हैं जहाँ से हम फ्रेश पीनट्स ले सकें. एक चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है इधर, पार्किंग. बहुत ज़्यादा रश होता है यूजली जब भी इधर आओ. पार्किंग जो है ना, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है. पिछले 20 मिनट से हम इधर ही अटके हैं, इतना रश हो रहा है. ये जो बाजार है ना, ये ट्यूसडे भी होता है और थर्सडे भी होता है, लेकिन हम हमेशा संडे को, पता नहीं क्यों आते हैं. हमारे घर में संडे ही होता है हमेशा, संडे बाजार को लेके. बंद कर दिया, पता नहीं. आई हैव नो आईडिया व्हाट्स हैपनिंग. बुजुर्ग लोग कहाँ से चल के आए? बुजुर्ग लोग सब्जी तो लेना अजीब बात करते हैं यहाँ पे आके. ये लोग वहाँ पे, वो बुजुर्ग लोग बेचारे पैदल किधर तक जाएंगे? वो थैंक्स टू दैट मैन, फाइनली वी गॉट द पार्किंग. मेहरबानी, जज़ा करना. इतना ज़्यादा रश है संडे बाजार में, आई हैव नेवर सीन इतना रश बिफोर. इट्स क्वाइट सनी हियर. वैसे तो यहाँ इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड हो गई है, मगर दिन के वक्त बाहर निकलो तो काफ़ी धूप होती है, इसलिए मैं हेड पहन के निकली हूँ. एक ये कलर है ग्रीन में दिखाए, और ये कौन सा ग्रीन है? ये फ्रोजी है, ग्रीन है ये, बेटर है कलर. ये मेरा इसका दिल हो रहा, पता नहीं क्यों. अच्छा ये एक ही है, ये वाला कलर, ये तो नहीं अच्छा लग रहा. गर्म होते हैं ये, गर्म है हाथ, नहीं अंदर भी मैंने हाथ रखा हुआ है ना तो गर्माहट फील हो रही है. बकाया ये उससे भी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा ये गर्म है. ये कौन सा मटेरियल है? ये नरम गरम, ये स्वाद नारायण खान कश्मीर, ये उन साइड पे ये कपड़ा पहना. अच्छा। इसको बेसिकली कश्मीर टाइप पे साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस कपड़े को. मम्मा ने अपने लिए ये चूज़ किया है, सूट बनवाएंगे. फुल सूट, ट्राउजर शर्ट वाला बता दीजिए. ये सी ग्रीन कलर है, ये मेरा पता है बहुत अरसे से दिल हो रहा है पहनने का. सी ग्रीन या फिर ये ब्लू, मरून नहीं लेना, ब्लू. मम्मा ने मुझसे पूछना भी है और करनी अपनी है, लेकिन मुझे शीघ्र ही दिल कर रहा है. वी आर गोइंग बैक होम. वहाँ से हम आ गए बाहर क्योंकि बहुत रश हो गया था, तो बस अब हम घर जा रहे हैं. और काफ़ी गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप निकली हुई, घर में इतनी ठंड होती है और घर से बाहर निकलो इस वक्त तो इतनी गर्मी. तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्दी का सीज़न शुरू हो गया. ऊपर से लाइक मैं फुल पैक होके बाहर निकली हूँ, तो गर्मी हो गई है बहुत. ओके. अभी हम आए हैं एशियन वॉक, इधर हमने ऑर्डर किया है. यहाँ एक बहुत मज़े की टोफू की डिश मिलती है विच इज़ वीगन,
So we ordered that and take away lenge and then we will go back home and then we will have lunch at home. हीटर ऑन करती हूँ ना, बिल्कुल हीटर के सामने आके ना छोटी सी कोजी होके लेट जाती है। अभी मैं किचन में आई हूँ एंड आई एम मेकिंग ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ। ये है बेसिकली हुंजा टी, हुंजा से मैंने ली थी, इट्स कॉल्ड माउंटेन टी। तो वहाँ की ऑर्गेनिक चाय है एंड इट इज़ सो गुड। जब से मैंने ये चाय ट्राई की है उसके बाद से हमेशा से मैंने ग्रीन टी में यही चाय बनाई है एंड नाउ आई डोंट बाय दोज ग्रीन टी बैग्स, टी बैग्स एनी मोर। स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके साथ ये एक मिनी स्ट्रेनर सा है, तो जब इसमें से चाय में निकालूंगी तो वो ऑलरेडी स्ट्रेन होके निकलेगी। इसी की बात इस बॉटल की यह है कि इसके ऊपर ये स्क्रीन है जो कि टच स्क्रीन है और ये हमें टेम्परेचर दिखाता है। ऑलराइट, सो आई एम बैक इन माय रूम एंड आई ब्रॉट माय ग्रीन टी विद मी। ओ छोटी आँख थी। तो इसमें मैं बेसिकली इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये क्या सर्दी का मौसम है एंड एज़ यू नो सर्दी में आप जब भी चाय बनाते हैं वो कुछ ही देर में फौरन ठंडी हो जाती है। दिस बॉटल विल हेल्प माय टी टू स्टे हॉट। आई विल डेफिनेटली कीप दिस बॉटल विद मी व्हाइल ट्रैवलिंग बिकॉज आई थिंक इट इज़ समथिंग वेरी यूजफुल। आप ये बॉटल ईजिली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज की। सो यप, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। सो अभी मैं आई हूँ नीचे किचन में और अपने लिए डिनर बना रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक मशरूम सैंडविच। सो मैंने अपनी ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी इसलिए मैं आपको पीछे वॉइस ओवर से बताती चलूँ कि मैं इसके अंदर मैश पोटैटोस ऐड करी हूँ। मशरूम को मैंने हैंड ब्लेंडर से मैश कर दिया था, फिर मैं ऐड करने लगी हूँ कोकोनट ऑयल और कोकोनट ऑयल के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा गार्लिक और ग्रीन चिली और फिर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट एंड देन आई विल वेट फॉर द मशरूम्स टू कुक। जैसे ही मशरूम और पोटैटोस कुक हो जाएंगे देन आई विल मेक देयर सैंडविचेस। सैंडविचेस बनाने के लिए हेयर आई एम टेकिंग सम ब्रेड स्लाइसेस और मैंने सैंडविच मेकर के अंदर रख दिए हैं एंड देन ब्रेड स्लाइसेस के अंदर आई एम एडिंग सम ऑलिव्स एंड देन आई विल ऐड द मशरूम पेस्ट और फिर मैं सैंडविच मेकर को बंद कर दूंगी। और सैंडविचेस जब मैंने बनने के लिए रख दिए इन दी एंड आई रियलाइज जो मैंने हरा धनिया थोड़ा सा चॉप किया हुआ था वो तो मैं ऐड करने ही भूल गई, तो फिर जल्दी से मैंने अंदर हरा धनिया ऐड किया एंड देन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सैंडविचेस टू गेट रेडी। कोई चेक करे दोनों कितने मज़े से कोजी होके सो रहे हैं। अच्छा वैसे ये लोग ऊपर सोते हैं मगर अभी मैं किचन में थी ना तो मुझे देखते देखते इधर सो गए। जब मेरी कैट्स को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना इधर सामने चेयर पे आके बैठ जाती हैं और मुझे देख रही होती हैं, बड़े फोकस्ड होके देख रही होती हैं ये खाने की चीज़ बन रही है। और जैसे ही खाना बन जाता है ना फिर मुझे फॉलो करते करते आती हैं, देखती हैं जब मैं खाना खाने बैठती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, फिर वो थोड़ा सा स्मेल करेंगी दूर दूर से और फिर डिसअपॉइंट होकर वापस चले जाती हैं। मगर इनकी नज़र बहुत होती है मेरे खाने पे और वाइल आई एम कुकिंग उस वक्त भी बहुत गौर से देख रही होती हैं। ऑलराइट, सो फाइनली माय मशरूम सैंडविचेस आर रेडी, नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर एंड इसी के साथ मैं अपना व्लॉग अभी तक एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द व्लॉग, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड नाइट।